Deductive method is based on deduction. In this approach, we proceed from general to particular and from abstract and concrete. At first, the rules are given and the students are asked to apply these rules to solve more problems. Deductive method of teaching में, इस method of teaching में teacher student के सामने openly जो भी question होगा उसका answer रख देंगी, means के वो rules रख देंगी, means के वो तरीका रख देंगी जिसको students जो है वो सामने रख कर उस example को use कर कर अपना answer डिस्कवर करेंगे. ये डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग का एक सिंपल सा जो है वो इंट्रोडक्शन था. मींस कि आपको ये पता चल जाए कि डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग होता क्या है. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर कुछ रूल्स को सामने रखकर कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ ऐसे आंसर जो कि ओपनली आपके सामने भी ना आए उनके आंसर, लेकिन आपको उनके आंसर डिस्कवर करने हो, थोड़ा सा आपको उनके आंसर के बारे में जो है वो सोचना हो. दिस इज़ कॉल्ड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. डेफिनेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. It is a teaching method that promotes learning through deductive reasoning where rules, generalization, definition of concepts are learned first and then specific instances, examples are studied for further understanding. Deductive method of teaching एक ऐसा method है, एक ऐसा तदरीसी तरीका है जो rules के ज़रिए सीखने को फ़रोग देता है, तरक्की देता है, आगे बढ़ने का मौका देता है. जहाँ पहले तसव्वुरात की अमूमी तारीफ़ें सीखी जाती थीं और फिर मज़ीद इसको समझने के लिए, मज़ीद इसको आसान बनाने के लिए स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू जो है वो समझाया जाता है, बताया जाता है और उनकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है. In definition of deductive method of teaching, the deductive method of teaching involves a teacher-centered approach to presenting new content to students. It begins by providing rules to learners along with examples which are followed by specific activities so that they can practice. Deductive method of teaching may teacher, it means ke ustad, स्टूडेंट के सामने न्यू कंटेंट पेश करता है, न्यू चीज़ पेश करता है. वही चीज़ें वो रिपीट नहीं करता जो अरसे से चली आ रही होती हैं. इस मेथड में जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट को एक न्यू कंटेंट, एक न्यू थिंक, एक न्यू टॉपिक उनके सामने डिस्कवर करता है. उस्ताद सीखने वालों को एग्जांपल्स के साथ रूल्स फ्राहम करने का आगाज़ करता है. इसके बाद एक्टिविटीज़ की जाती हैं डिफरेंट तरह की ताकि वो अपने टॉपिक को क्लियर कर सके. मींस कि टीचर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं जिससे स्टूडेंट किसी भी तरह जो है वो अपने आंसर को डिस्कवर कर सके, अपने आंसर तक पहुंच सके और अपने आंसर को विजुलाइज़ कर सके. मींस के उसके सामने इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो पेश की जाती हैं कि जो स्टूडेंट होता है वो परेशान नहीं होता, वो कंफ्यूज नहीं होता, बल्कि वो डायरेक्ट जो है वो अपने आंसर की तरफ पहुंच जाता है. विल डिस्कस नाउ वी सी द मीनिंग ऑफ द डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. डिडक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिडक्टिवस व्हिच मींस टू डिड्यूस आर डिराइविंग कंक्लूजंस बाय रीजनिंग. डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एक्सप्लेनेशन. Deductive learning is a more instructor-centered approach to education. Concepts and generalization are introduced first to learners, followed by specific examples and activities to support learning. Lessons are generally conducted in lecture form with minimal dialogue between educators and their learners. Second point explanation. Deductive learning refers to a method of teaching that may be more suitable in introductory level courses who need a clear foundation from which to begin with a new language items. Learners who are accustomed to a more traditional approach to learning and therefore lack the training to find rules themselves may struggle with this method. Deductive method of teaching. Three general initiatives. This teaching method involves three general initiatives. Deductive method of teaching के तीन अमूमी इकदाम हैं. First is activity planning, सरगर्मी की मनसूबाबंदी.
सेकंड इज एक्टिविटी एग्जीक्यूशन, सरगर्मी पर अमल दरामद। नंबर थर्ड इज़ एक्टिविटी इवैल्यूएशन, सरगर्मी की तशखीस। मींस के सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मंसूबाबंदी करते हैं। मंसूबाबंदी क्या होती है, यानी कि हम प्लान बनाते हैं, हम कोई भी ऐसा एजेंडा बनाते हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। फिर उसके बाद उस प्लानिंग के ऊपर हमने अमल करना होता है, यानी कि जो चीज़ हमारे माइंड में है, जो चीज़ हमारे पेपर पर है, उस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, उस पर अमल करना होता है। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में जो है वो हम इसका हम जायज़ा लेते हैं, इसकी तशखीस करते हैं और हमारा जो है वो टॉपिक कम्प्लीट हो जाता है। Now we will read them in detail one by one. Number first is activity planning. In this, teacher determines the concepts which needs to be taught to ensure that the point of the lesson is firmly driven home. It will help in covering all the important points without missing any. Second point is activity execution. This involves establishing a connection between the concepts that had been taught in the previous class and what will be taught at present. Teachers can ask students questions related to the previous class to gauge their understanding before proceeding further. Number third is activity evaluation. It includes asking questions to distinguish between concepts and questions related to individual topics taught so far. This can be in the form of multiple choice questions for making a distinctions or short type answers questions to be explained with relevant examples. It will help teachers in evaluating individual efforts of students. Anyone who missed a class can also be identified and special attention can be paid to him or her. Deductive method of teaching, steps in deductive approach. Deductive approaches of teaching follows the step for effective teaching. ये हमारे इस method के ऐसे steps हैं जिनको समझ लें कि ये ही हमारा जो है वो डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है। इसी को हम फॉलो करके अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं, अपना जो भी हमारा टॉपिक होता है उसको हम इस मेथड के थ्रू, इस मेथड के तरीक़ेकार के थ्रू, इस मेथड के स्टेप्स के थ्रू जो है वो हम इसको अपने रिज़ल्ट तक जो है वो इसको पहुँचाते हैं। सबसे पहला है हमारा क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। नाम से ही जाहिर है कि क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। टीचर जब स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के बारे में बताएंगी तो इससे रिलेटेड ऑल पॉइंट्स डिस्कस कर देंगी, यानी कि जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो टीचर जो है वो डिस्कस कर देंगी। अगर हम इसको कहें कि वो एक तरह से फार्मूला बता देंगी, एक तरह से रूल्स बता देंगी जिसको माइंड में रख कर वो अपने सलूशन की तरफ जाएंगे, यानी कि वो अपने आंसर की तरफ जाएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा इस मेथड में वो यही होता है कि हम उनको हर उस चीज़ को क्लियरली तौर पर डिस्क्राइब कर दें, क्लियरली तौर पर सामने लेकर आ जाएं, क्लियरली तौर पर हम उसको बच्चों के सामने, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने हम उनको रख दें। सेकेंड स्टेप, सर्च फॉर अ टेंटेटिव हाइपोथेसिस। स्टूडेंट अब क्या करेंगे, उनके सामने पॉइंट्स तो रख दिए गए, उनके सामने वो तमाम रूल्स तो रख दिए गए, उनके सामने जो है वो फार्मूला तो रख दिया गया। अब वो क्या करेंगे, उन तमाम चीज़ों को सर्च करेंगे और इस दौरान जो है वो टीचर की बात को फॉलो भी करेंगे और इस मेथड को यूज़ करेंगे। मींस के उनको जो भी चीज़ बताई जाएगी, जो भी चीज़ उनके सामने रखी जाएगी, जो भी टॉपिक होगा वो उससे रिलेटेड जो है वो देखेंगे कि जो भी टीचर बात कह रही हैं क्या वो बात सही है भी है कि नहीं, तो वो अपने तौर पर उसकी सर्च करेंगे, उसकी छानबीन करेंगे। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट इज़ फार्मूलेटिंग ऑफ अ टेंटेटिव हाइपोथेसिस। अब जब ऑल पॉइंट्स स्टूडेंट्स को के सामने आ जाएंगे और वो उसके ऊपर जो है वो सर्च भी कर लेंगे कि ये पॉइंट्स सही हैं भी हैं कि नहीं, क्या ये चीज़ें हमें आंसर की तरफ लेकर जाएंगी भी कि नहीं, जब वो
ये तमाम चीज़ें, ये दो स्टेप्स को वो फॉलो कर लेंगे, तो उसके बाद जब नंबर थर्ड पर वो आ जाएंगे, तो वो जो उनके पास ऑप्शंस होंगी, वो जो उनके पास रूल्स होंगे, वो जो उनके पास फार्मूलाज होंगे, उनमें से वो चूज़ करेंगे कि कौन सा वाला जो है वो हमने सेलेक्ट करना है, कौन सा वाला जो है वो करेक्ट है, जो कि हमें रिज़ल्ट की तरफ लेकर जाएगा, जो कि हमें आंसर की तरफ लेकर जाएगा, जो कि हमें डिस्कवर की तरफ लेकर जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज़ वेरीफिकेशन स्टेप्स के का जो है, ये फोर एंड लास्ट पॉइंट है, यानी कि वेरीफिकेशन ऑफ द रिज़ल्ट, या आप इसको वेरीफिकेशन भी कह सकते हैं, कि जब स्टूडेंट अपने तमाम पॉइंट्स को क्लियर कर लेगा और लास्ट में वो क्या करेगा, अपना आंसर डिस्कवर कर लेगा कि ये चीज़ सही है। अब हम डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग के मेरिट्स को देखेंगे, एडवांटेजेस को देखेंगे, कि ऐसी कौन कौन से हमें इससे बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसी कौन कौन सी इसमें खूबियां हैं जिसकी वजह से इस मेथड को यूज़ किया जाता है, इस मेथड को पसंद किया जाता है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास टाइम सेविंग, यू गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। फिर कैटर्स टू स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशंस, गुड फॉर लर्नर्स विद एनालिटिकल लर्निंग स्टाइल, द लर्नर्स आर मोर इंगेज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द लर्नर्स फॉर्मुलेट जनरलाइजेशंस एंड रूल्स, लर्निंग बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम द आउटसेट बिकॉज टीचर्स बिगन विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर्स बिगन विद वर्ड दैट स्टूडेंट्स नो, इट हेल्प्स द डिवेलपमेंट ऑफ द लर्नर्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टू सी पैटर्न्स एंड टू एनालाइज एंड थस अराइव एट जनरल स्टेटमेंट रिक्वायर्स एनालिटिकल थिंकिंग, वाइडर स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर बिकॉज द इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्ट बाय स्टेटिंग एट वंस द रूल्स आर द प्रिंसिपल एट द बिगनिंग ऑफ द क्लास, teacher does not have to worry about what questions to ask in order for learners to reach a generalization or conclusion. Deductive method of teaching demerits disadvantages. Passive learning with less involvement on the part of the learners. The learners do not take part in the formation of a conclusions or generalization. Learners' involvement will be drills or exercises that come after the explanation of the rule or principle. Lesson appears uninteresting at first. Teacher began the lesson with abstract based on what the learners do not know. Knowledge is not self-acquired and therefore not assimilated property. The child is deprived of the pleasure of self-activity and self-effort as ready-made formula, principles and rules are given to him. It encourages memorization of facts which are soon forgotten and therefore knowledge is rendered useless. This method is unnatural and psychological for the students who do not possess ability to appreciate abstract ideas in the absence of concrete examples.